आपका स्वागत है और आज की खास ये जनसंसद इसलिए भरी गई है और सुदर्शन के तमाम जनसंसद के जन सांसदों को इसलिए बुलाया गया है कि हम ये मान रहे हैं कि देश की जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें जो छात्र हैं, छात्रों ने राजनीति करनी चाहिए कि नहीं। मेरा जवाब है हाँ, मैं भी छात्र राजनीति से आया हूं, क्योंकि हम मानते हैं कि छात्र जो होता है वो कल का नहीं आज का नागरिक है, और आज का नागरिक अगर आज का देश, आज की परिस्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा तो कैसे चलेगा। इसलिए छात्र तो राजनीति करें, लेकिन छात्र की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज के जनसंसद में हम प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं कि क्या देश भर के विश्वविद्यालयों में विदेशी हस्तकों के द्वारा देश के विरुद्ध बनाए जा रहे षड्यंत्र के लिए कोई कानून बनना चाहिए। क्या आपका कहना है? जो लोग लाइव में इस शो को देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम जगह पर लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी कॉमेंट को दे सकते हैं। आपके कॉमेंट को हम या स्क्रीन पर जगह देंगे, साथ साथ में इस विषय पर ट्रेंड भी चलाइए, जो ट्रेंड अभी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मेरे साथ जो जनसंसद के सांसद हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर पहले भी तो छात्र राजनीति होती थी, या हिंदुस्तान के बाकी यूनिवर्सिटी में भी होती है। वहां जेएनयू, जामिया या जाधवपुर, ये ट्रिपल जे ऐसा क्यों नहीं होता है? और इसलिए आज हम चर्चा शुरू करेंगे। स्थिति पर पहले मैं अगर वर्णन करूं तो मैं ये कहूंगा कि देश के इन विश्वविद्यालयों में कुछ छात्र संगठन जिनका कि माओवाद या जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है उनसे सीधे जोड़ा जाता है, उनके संगठनों के नाम, उनके हीरो, उनके नायक वही लोग हैं जो माओवादियों के हैं। और ऐसे में इन छात्र संगठनों को पैसा, पावर और प्रसिद्धि, ट्रिपल पी, वैसे तो ट्रिपल पी का उल्लेख समाज के बाकी हिस्सों में किया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर, लेकिन यहां तो यह ट्रिपल पी, पैसा, प्रसिद्धि और पावर दिया जाता है देश के विरुद्ध नारे लगाने के लिए। और इसलिए आज के जनसंसद में इस भूमिका को रखने के बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो संसद जनसंसद यहां बैठे हैं उनसे तो जुड़ेंगे ही, जो लाइव में शो को देख रहे हैं आप भी अपनी प्रतिक्रिया लाइव में दे सकते हैं। जनसंसद में केवल फोन हम नहीं ले सकते, बाकी सोशल मीडिया की बाकी सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं। हम शुरुआत करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह एक स्वतः स्फूर्त, मेरे ख्याल से, मेरे नजर में एक स्वतः स्फूर्त प्रोटेस्ट है जो कि फीस वृद्धि से शुरू हुई और अब जाकर के एनआरसी, एनआरपी और सीए तक पहुंची है। और सिर्फ ट्रिपल जे नहीं, इसके साथ आईआईटी, आईआईएम और कई अन्य विश्वविद्यालयों ने इसमें भागीदारी अपनी दिखाई है। यहां तक कि समाज की महिलाओं ने जो अभी देखने में आ रहा है जगह, अगर ऐसा कहेंगे तो फिर ऐसे भी कई यूनिवर्सिटी हैं जहां पर की समर्थन नहीं हुए, उनकी संख्या जोड़ेंगे तो वो बहुत बड़ी है, बल्कि 100 से ज्यादा है। हाँ, ये जनतंत्र है, इसमें समर्थन जिन्हें करना है उन्हें भी करना चाहिए, वो उसकी छूट है। बस छूट ये नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसकी छूट नहीं है, बाकी हर चीज की छूट है। ये कहीं सुनाई भी नहीं पड़ी, कहीं सुनाई भी नहीं पड़ी। ठीक है, हाँ पत्रकार, देखिए अभी इन्होंने जो बोला एक शब्द प्रयोग किया स्वतः स्फूर्त, मैं बताना चाहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में स्वतः स्फूर्त कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे कोई न कोई एनर्जेटिक कारण होता है। इस देश का इतिहास रहा है लाखों साल से, हर आदमी का, चाहे वो विद्यार्थी हो, समाज में हो, उसके नैतिक दायित्व रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, यही के विद्यार्थी, यही के टीचर, यही के गुरु ऐसे होते थे जिन्होंने शून्य जैसा आविष्कार किया, आज के विद्यार्थियों का क्या मापदंड ये है कि आप सड़क जाम करिए, आप देश को, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे देश के नैरेटिव को बनाइए। तो मैं इनको वार्न करना चाहता हूं कि विद्यार्थी के धर्म को समझिए, विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या है ये नहीं बता पाएंगे, ये बोलेंगे ये स्वतः स्फूर्त है। अगर स्वतः स्फूर्त अगर ये चीजें हैं तो ऐसे स्वतः स्फूर्त का दमन भी करना इस संस्कृति के, इस देश के लोगों को आता है। देखिए, मेरा कहना है कि जेएनयू में जो कुछ हो रहा है, आप कुछ उन लोगों के बयानों को लीजिए जो कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग, जो कहते हैं कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, जेएनयू नहीं होना चाहिए।
तो इस देश में जेएनयू जैसे संस्थान बहुत मेहनत से बनते हैं, सदी में एक बनते हैं और बने हैं, उसकी जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उनसे निकले हुए लोग देश दुनिया में देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। जेएनयू की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई है, अब पता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जेएनयू का एस्टैब्लिशमेंट देखिए, जो स्वतंत्रता के बाद में जवाहर देख जो भारत का और उसका, मैं वही बता, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अगर ये विचारधारा आपको अच्छी लगती है, आप सुन लीजिए, आनी चाहिए तो वहाँ के नहीं 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 ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। देखिए ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है और उसमें बच्चे रिसर्च करते हैं दुनिया में। आप सोवियत संघ से सहयोग का उदाहरण, सोवियत संघ से सहयोग का जो एक बड़ा युग था जिसमें कि उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन लेकिन इसको कम्युनिज्म में किया जाता है। आप हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में कम्युनिज्म में रिसर्च किया, दुनिया की किस चीज में रिसर्च नहीं होता है? ये गलत सोच है कि कम्युनिज्म पर रिसर्च होता है, चौहान साहब, ये गलत सोच है कि कम्युनिज्म पर रिसर्च होता है। अरे उसमें हर सब्जेक्ट पर रिसर्च होता है, आप चाहे नए सब्जेक्ट, आप जैसे रिसर्च में हमेशा नए सब्जेक्ट दिए जाते हैं। जेएनयू वालों की एक्सपर्टी इनके हिसाब से जो उसके बाद देखिए, आज उनके चरित्र को देख के आप क्या कहेंगे कि कौन सा रिसर्च होता है? ये जिस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट इन जो एक पूरा पूरे वर्ल्ड में जो इस विचारधारा के लोग हैं उनका प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ, विकिपीडिया पे ढूंढ लीजिएगा, वहां लिखा गया है पावर्स कम विद द बैरल ऑफ गन, यानी हिंसा में ही वो विश्वास करते हैं। यहाँ एक फर्क मैं बताना चाहूंगा, ये हर काम को हिंसा के थ्रू ही करेंगे। एक फर्क मैं बताना चाहूंगा, आपने भी चौहान साहब शुरू में जिक्र किया था कि नक्सलवादी और कम्युनिस्ट का जिक्र किया था। देखिए इस देश में जब एक मिनट चौहान साहब सुन लीजिए, एक मिनट ज्यादा वक्त नहीं होगा। इस देश में जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था उसको खत्म करने का काम ज्योति बसु ने किया था। नक्सलियों का कम्युनिस्टों से भी संघर्ष रहा, नक्सलियों ने कांग्रेसियों को भी मारे, नक्सलियों ने दक्षिण पंथियों को भी मारे। ये है, ऐसा नहीं है कि आप नक्सली बोल के आज के कम्युनिस्टों को आप नक्सली बोले, आप गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, जेएनयू की बात हो रही है, जेएनयू बिल्कुल देश के राष्ट्रीय राजधानी में एक विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी, उन्हें नक्सली नहीं कहा जाए। एक मिनट, जब नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में हमारे 68 जवानों को मारा, यहाँ पर पार्टी हुई, जब नक्सलियों ने कांग्रेस के 80 से ज्यादा नेताओं को मारा, उस समय आप बताएं क्या इस पर खुशी मनाई जा सकती? कोई खुशी नहीं मनाया जा सकता, किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं। पॉइंट है, तो इसका मतलब जिन्होंने इस देश के जवानों के मरने पे खुशी मनाई वो गद्दार है बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जिसने खुशी मनाई, किसने खुशी मनाई? जवानों के मरने पे कोई खुशी नहीं मना सकता, कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कल मेरे देश के जवानों के हत्या पर, उनकी शहादत पर खुशी मना रहा है, और आज अगर फीस के नाम पर आंदोलन कर रहा है तो मुरी नहीं, 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 नहीं। उसके लिए ये नहीं, ये गलत परसेप्शन की जेएनयू के लोग खुशियां मना रहे थे, ये झूठ बात फैलाई जा रही है। चंद दो चार लोगों को जो जिन लोगों ने खुशियां मनाई उसको दंडित किया जाना चाहिए। पूरे पूरे कैंपस को आप पेंट नहीं करेंगे, जो लोग पर्टिकुलर भी दोषी हैं उनको सजा देंगे, न कि पूरे जेएनयू को आप कम्युनिस्टों का नक्सलियों का बता करके एक शिक्षण संस्थान को बर्बाद करेंगे। यही सोच है, यही लड़ाई इसी बात की है। 8000 जेएनयू के स्टूडेंट्स बेईमान नहीं है, नक्सल नहीं है, अर्बन नक्सल नहीं है। छात्रों ने पूरी दुनिया के बारे में विघ्नेश जी, ये सारे विघ्न का विषय हो रहा है। बोलिए सर, जेएनयू का जो स्थापना हुआ था 1969 में, हेलो सर, जेएनयू का जो स्थापना हुआ था 1969 में और 2012 में सर, जो इसकी जो एनएसीसीए ने जो ग्रेडिंग दिया था इसे 3.9, तो बिल्कुल ही गलत दिया है। जेएनयू को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल छात्र है जी, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जेएनयू में ना बिल्कुल ही गलत हो रहा है और ये देश के विरुद्ध नारे लगाते हैं और वहाँ पे सर मतलब कि देश के हित में कुछ होता ही नहीं है। अगर कहीं पे सेना मरती है तो उसके वो पार्टी बनाते हैं,
कश्मीर में जवानों को बलात्कारी कहा जाता है। देखिए अब ये तो किसी पार्टी का नहीं है, ये एक परसेप्शन है जिसके असर में वो बोल रहे हैं। इस देश में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है जेएनयू के खिलाफ और उस सोच के खिलाफ। आप वैचारिक दुश्मन है देश में, वैचारिक विभिन्नता मुद्दा। हम छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका परसेप्शन है सर। ये तो कहेंगे इम्पैक्ट सर, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सर विपक्ष से हैं और इन्हें सर वहां से फायदा मिल रहा है, जेएनयू से इन्हें बेनिफिट हो रहा है, जेएनयू से ये राजनीति कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं तो ये स्टूडेंट को आगे लाके सर ये मतलब देश में ना सर अशांति फैला रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। कि राहुल गांधी तो कुछ कर नहीं पाए इसलिए कन्हैया को आगे कर रहे हैं, खालिद को आगे कर रहे हैं और खुद पीछे से तालियां बजा रहे हैं। परसेप्शन बनाने की झूठ है लोगों को नहीं। राहुल गांधी आपका प्रश्न का उत्तर दीजिए जी। मेरा प्रश्न ये है, श्लोक पहले पूरा सही से पढ़ के आइए सर। अगर आप एक श्लोक सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो परसेप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। आप अपना परसेप्शन खुद बना रहे हैं दुनिया के सामने। आप स्वयं अपना परसेप्शन बना रहे हैं सर। एक मिनट कांग्रेस में संस्कृत श्लोक पढ़ के क्या फायदा, कुछ इटाली में पढ़े तो समझ में आए क्या फायदा है। मैंने प्रश्न का उत्तर आपने दिया नहीं। आपके पास RT2 आपकी हिंदुस्तान की 2 नंबर की पार्टी है, आपके 2 नंबर के नेता है, वो 2 नंबर के काम क्यों करते हैं कि पीछे से सपोर्ट करने का। ये आपका परसेप्शन है लेकिन हमारा परसेप्शन ये है नहीं है। तुम्हारे को किसने खड़ा किया इस देश के दिल में? 1000 एकड़ की जो जमीन है उस जमीन को बड़े 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 कॉरपोरेट हाउसेस को हैंड ओवर करने के लिए ये चल रहा हूँ। अब देखिए हम इनके परसेप्शन को क्या बोलेंगे, जो चीज हुआ नहीं उसका ये परसेप्शन यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेएनयू की जमीन तो कॉर्पोरेट को दिया जाएगा। ये तोड़ने वाली नीति देखिए इनको, ये पूरी दुनिया में परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि जेएनयू की जमीन को। ये मेरे साथ एक छात्र आए हैं, ये यहाँ एक छात्र आए हैं जो ऑलरेडी जरा देख लीजिए, बाद में आप कहेंगे कि नकली लगा हुआ है। हाँ अब आप इनके मुंह से सुने, अभी जो आप इनके मुंह से सुन रहे थे वो तो DU के थे, ये उसी से है और खुद पीड़ित है, मार खा के आए हैं। अब इनकी बात को हम सुनेंगे। जो बात आप कह रहे थे, इनका कहना है कि जेएनयू के बारे में जो बात हो रही है ये केवल परसेप्शन है, वो लेफ्टिस्ट बेचारे इनोसेंट ऐसे नहीं है। हाँ देखो वामपंथ का इतिहास रहा है, जब जब वामपंथ खत्म होने लगा है, चाहे वो चाइना देख लें, रशिया देख लें, या फिर देश में केरल और बंगाल देख लें, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज जहां वामपंथ हमेशा दबदबा बना रहा है वहां पर हिंसा पे उतारू है। जादवपुर से देखें आप, जादवपुर यूनिवर्सिटी, AMU, जामिया तथा ऐसा केरल में भी तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर उनका आज एग्जिस्टेंस का सवाल है। यही स्थिति JNU में देखने को मिली। साथ ही साथ जो देश में विपक्ष है वो पूरा बौखलाया हुआ है, जैसे लगातार ऐसे राष्ट्र के सहयोग में राष्ट्र निर्माण के लिए निर्णय आते गए, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो CA हो। पहले आपका हाथ ये गले में क्यों टंगा, ये जरा थोड़ा दर्शकों को क्लैरिटी से बताइए। ये वही दिन है जो JNU में 5 जनवरी के दिन हिंसा होती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कमरे में घुसकर रूम आइडेंटिफाई करके मारा गया। उसी का मैं एक विक्टिम हूँ। मैं मनीष जांगिड, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद JNU इकाई का मंत्री हूं, और वहां पर बाकायदा जब हम लोग 2.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट का जब शुरू हुआ था तो एक ही मकसद था, वो मकसद था कि जो फीस बढ़ा है वो कम हो, पर धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्बिशन उसमें दिखने लगे। उसके साथ साथ जब एग्जाम्स को बाइकआउट किया गया, जब छात्र क्लास में जाकर पढ़ना चाहते थे उनको रोका गया, 2.5 महीने से छात्र क्लास के अंदर नहीं जा पाया, और उसके बाद से देखेंगे कि 1 से लेकर 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का दिन था। अगर छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करता तो कहीं ना कहीं हम लोग JNU के छात्र, हमें JNU से बाहर निकाला जा सकता था। जब हम छात्र रजिस्ट्रेशन 1 और 2 तारीख को करता तो देखते हैं कि जो ऑफलाइन सेंटर से रजिस्ट्रेशन के वो बंद किए गए। उसके बाद से जब संख्या बढ़ी रजिस्ट्रेशन की तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ
उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर वामपंथियों द्वारा सर्वर रूम को तोड़ दिया गया। सर्वर रूम को तोड़ने के बाद में जब आखिरी तारीख 5 तारीख होती है, जिस दिन हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उस 5 तारीख के दिन जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुछ आम छात्र जब रजिस्ट्रेशन कराने स्कूल एरिया में जाते हैं, तो वहां पर जो उमड़ी हुई भीड़ होती है वो भीड़ हमको मारने के लिए उतारू होती है। जब हम हॉस्टल की तरफ छुपने के लिए जाते हैं तो पेरियार हॉस्टल की तरफ जाते हैं, वो ऐसा हॉस्टल है जिसमें पहली बार आक्रमण नहीं हुआ है, पहली बार वामपंथियों का अटैक नहीं हुआ, इतिहास में पहले भी हुआ है, तो वहां पर पत्थर चलाए जाते हैं और जो मॉब चारों तरफ से आता है वो लगातार इस तरह से पत्थर चलाता है, जैसे आप कश्मीर में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो पत्थरबाजी हम टीवी में देखते थे, वैसा ही सीन उस दिन पेरियार हॉस्टल में था। जब हम लोग रूम्स में जाकर छुपते हैं तो एक एक रूम आइडेंटिफाई किया गया कि किस रूम के अंदर एबीवीपी का कार्यकर्ता है। तो बाकायदा जब हम 4 लोग एक रूम में थे 24 नंबर रूम में, तो मैं, मेरे साथी शीशमणि, वेलेंटीना और शांभवी, चारों को पहले तो एक मॉब सामने से आता है, उसमें अब मॉब को लीड करने वाले आईसा के एक्टिविस्ट जो भी जेएनयूसी में भी हैं, सतीश चंद्र यादव, वो सामने वाला दरवाजा तोड़ते हैं और पीछे वाला दरवाजा जो आईसी घोष जो आज पूरे देश में विक्टिम कार्ड खेल रही है, वो खुद मॉब लिंचर होती है, मॉब को लीड करती है। तोड़ने के बाद में वो लोग एक रूम के अंदर घुसकर नाम लेके बाकायदा, कहां है मनीष, मारेंगे उसको, ऐसे करके हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। जब हम फाइनल रूम से भाग के निकलते हैं तो फाइनली जब दूसरे विंग में जाकर सरेंडर करना पड़ता है, तब तक वो लोग लाठी डंडे और पत्थर से मारते रहते हैं रोड से, जब तक कि हम बेहोश नहीं हो जाते हैं। तो हिंसा का एक पहलू है और यही पहलू है। हाँ, अभी मैं आप लोगों को, यार कांग्रेस के समर्थक भी है, उनसे बात करते हैं, आप इस घटना पे क्या कहेंगे? मैं इनकी बात से, इनसे सहानुभूति भी है, इनकी बात को सही भी मान रहा हूँ। एक प्रश्न है, इस घटना की तुरंत बाद इन लोगों ने क्यों नहीं FIR दर्ज कराई? JNU प्रशासन ने इस बात को लेकर क्यों पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्यों इन लोगों ने काउंटर अटैक प्लान किया JNU के साथ मिलकर के, पुलिस का सहयोग लेकर के, और बाद की जो घटना हुई है उसके बारे में ये क्या जवाब देते? ये क्यों एबीवीपी के कार्यकर्ता ने काउंटर अटैक प्लान किया पूरे पूरे देश में? बोल लेंगे, तो तभी से बोल रहे हैं। आपको वो उन स्टूडेंट्स को भी बुलाना चाहिए इस प्रोग्राम में, काउंटर अटैक के शिकार हुए। हमने तो सबको बुलाया था, हमने आज 20 को बुलाना चाहिए, वो व्यू पॉइंट आना चाहिए। लेकिन अभी कन्हैया कुमार की तरफ से आप उपस्थित है, ठीक है, आप तो बता देंगे, आप तो पेंट करेंगे, लेकिन एक पक्ष बुलाया आपने, दूसरे पक्ष को भी बुलाना है। हम नाम बताएं, हिंसा हुई, दूसरे हिंसा के नाम और नंबर बताया क्या? जरा फोन लगा के देना इनको, फोन लगा के। जिस प्रकार से आप बोली, जिस प्रकार से बोल रहे हैं ना कि हमने काउंटर अटैक की बात कर रहे हैं, उसको मैं खारिज करता हूँ यहाँ से। विद्यार्थी परिषद की संख्या JNU में कार्यकर्ताओं की बहुत कम है। जब हम पर 4 बजे तो बाहर से बुलाया, जब हम 4 बजे हमला हमारे ऊपर होता है, हम लोग कैंपस से बाहर चले जाते हैं। मैं खुद रात भर एम्स हॉस्पिटल में था, वहां भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता। ये कह रहे हैं ना, आज दिल्ली पुलिस हमारे साथ मिली हुई है, क्योंकि इनका जो स्वभाव है, जो 70 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया, इन्होंने पुलिस के साथ में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन अपने हम कब्जे लिए हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। जो स्टिंग की बात करते हैं ना, वो स्टिंग सरासर खारिज है। कहीं लेन देन जो दिल्ली चुनाव को देख के लेन देन में जाके स्टिंग हुआ है, जो डेट है, वो स्टिंग पूरा गलत है। आप देखेंगे कि उस शो में मैं खुद लाइव मौजूद था। सर सुन लीजिए, जब करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस डिबेट में मैं लाइव मौजूद था, जब वो एक्सपोज होते ना सर, तो लिंक भी हटा देते हैं। वो उस वीडियो का लिंक नहीं अवेलेबल है मार्केट में सर। जो एक चैनल जो जिम्मेदारी से न्यूज चला रहा है, वो स्टिंग पर दी है। उस चैनल को खुलासा करना पड़ा, आप जानते हैं। उसने माफी मांगी, पता है, ट्विटर पे खुद उसने बोला है कि वो एबीपी का लड़का नहीं है। माफी मांगनी पड़ेगी, गलत स्टैंड मत लीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये कह रहे आपने सुना अभी क्या कहा है? आपको तो दर्द हो रहा है, एक तरफ आपको सहानुभूति देने के बजाय लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्या कहेगा? जो ये कह रहे हैं कि हमने क्यों तुरंत कंप्लेंट नहीं कराया, तो मैं बता दूं, मैं तब तक छुपी हुई थी जब तक मुझे वहां पर जो स्टूडेंट स्टेज में रूम में छुपी थी। उन्होंने ये नहीं बोला कि दीदी पुलिस आ गई है, अब आप जा सकते हो। मैं तब तक छुपी हुई थी, और जब पुलिस आई तो SHO ने खुद बोला, आप पहले एम्बुलेंस में बैठो, पहले अपना ट्रीटमेंट कराओ, आप ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद कंप्लेंट ली जाएगी। उसके बाद हम रात भर वहां ट्रॉमा सेंटर में ही रहते हैं, और ट्रॉमा सेंटर में यहां तक कि प्रियंका गांधी भी आती है। प्रियंका गांधी आती लेकिन नहीं मिलती वो। हम इनफैक्ट शिवम जी जाते भी हैं उनसे बोलने के लिए कि हमें ऐसा ऐसा कि गुंडों ने मारा है, तो आप हमारे भी जरा सुन लीजिए, हमारा पक्ष भी सुन लीजिए। वो मुड़ के चली जाती है। तो इस तरीके का भेदभाव हमारे साथ होता है। आप बताइए, ये कह रहे थे
ये अच्छा आप बोलिए इनकी तरफ से क्योंकि आप दोनों एक साथ हैं। नहीं 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 अच्छा अलग है हाँ। तो आपका कहना था कि इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह बाद में लेनी चाहिए थी, पहले कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं नहीं इसमें बहुत पक्ष है, तो एक पीड़ित पक्ष है जिसको चोट लगी है वो अगर नहीं करा सकते हैं बिल्कुल, जेएनयू प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्यों नहीं एफआईआर कराई, उसने हिंसा को होने दिया, काउंटर अटैक को होने दिया, पुलिस का सहयोग मिला, सारी आज जब जांच भी हो रही है एक हिंसा की जांच हो रही है, दूसरे हिंसा की नहीं हो रही। आज क्या है स्थिति है कि और कैसे तरफा बात ऐसा है। एक मिनट जामिया में पुलिस क्यों घुसी, ऐसा पुलिस पे आरोप चल रहा था, इतने में दूसरी जगह घटना घटी तो पुलिस को लगा कि थोड़ा डिफेंसिव रहे भाई, दुनिया भर में हमारे खिलाफ थू-थू हो रही है, तो यहाँ अच्छा, पुलिस को लगा ये आपको पता है, उन्होंने कहा भाई उन्होंने ये सिद्धांत है कि सेना कश्मीर में ना घुसे, सेना पीओके में ना घुसे, सेना श्रीनगर में जाए तो पत्थर खाती रहे, बाढ़ आए तो सेना इनको कंधे पे बैठा के निकाले और ये सेना को डंडे मारते रहे, पुलिस सुओ मेडो के बेसिस पे अगर कहीं गुंडेगर्दी हो रही है तो पुलिस ना घुसे, पुलिस और सेना मदद करे तो सठे साक्षम समाचार, जब तक उस पर नहीं आएंगे आपको अकल नहीं दिखा सकती, मैं तो बल्कि आह्वान करता हूँ यहाँ पे बैठे ना सड़क पर लोग, यहाँ का नोएडा का पूरा समाज इकट्ठा होकर जाए लाठी लेके सूट दे एक को पकड़ के देखे कैसे जाम नहीं खुलते, गलत बात गलत बात चुका है। होनी चाहिए कि नहीं, अब हो अल्लाह मत करिए। एक मिनट, इन्होंने कहा कि आप गैर कानूनी बात करें, सड़क पर एक महीने से बैठ के कई लाख लीटर डीजल पेट्रोल लोगों का फूल रहा फूक रहा है और जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके वर्किंग आवर्स का ध्यान दे रहे हैं, तो इसका कई महीनों का दिन कई हजार वर्किंग आवर्स लोगों के जा रहे हैं, आपको लगता है वो गैर कानूनी नहीं है? मैं आपको जवाब देता हूँ, बैठिए ना रामलीला मैदान पे बैठिए ना, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए जब डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं तो मरीज की मौत होती है, पीड़ा होती है और वो उसका जो प्रेशर होता है सरकार महसूस करता है, हम डॉक्टर को इल्जाम नहीं लगाते कि तुम्हारे हड़ताल के कारण मरीज की मौत हो रही है, सरकार तुम जनता का दर्द समझो, खत्म करो डॉक्टरों की हड़ताल, ये होता है आंदोलन, देश में मजदूर आंदोलन करता है, देश में हड़ताल होती है, नुकसान होता है उसमें, देश का नुकसान होता है, सरकार उसकी जिम्मेदारी के लिए ये जो सारी बात करके नहीं करेंगे, प्रदर्शन की बात है, प्रदर्शन ना हो जी, जी कभी बातचीत करने की आप इनसे पूछिएगा, जो तकलीफ है जनता को हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रदर्शन करने कम्युनिस्टो ने कि नहीं किया, किस पार्टी ने इस देश में आंदोलन नहीं किया, जब चाइना के साथ में लड़ाई हो रही थी तो कम्युनिस्टों ने वहां पे उतर दिया था, और आपको पता है सात में तो हो चुकी इसकी वजह से, क्योंकि वो वहां पे फंस जाते हैं, सेना के पूर्व जनरल अपोला में नहीं जा पाए, सात में तो हो चुकी, अरे भाई आप दोनों बात करेंगे क्या, हमारे साथ सेना के जिसका हम बार बार उल्लेख करें उनके कर्नल है, किसी राजनीति दल से उनका कोई संबंध नहीं है, बैठे हैं उनकी बात सुनते हैं। हाँ बोलिए यूवी सिंह जी, जेएनयू में आप माइक ला बोलिए जल्दी बोलिए, जेएनयू में
हम लोगों ने 1500 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली थी और जेएनयू का जो मूल प्रश्न है और वो इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ था जब जेएनयू को लेफ्ट लोगों को अर्बन नक्सल्स को हैंडओवर किया गया और उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई अभी तक जो बातें देश में पता लग रही हैं ये पहली दफा पता चल रही हैं। ये जेएनयू 10 रुपए में कमरे में एक एक कमरे में वहां के साथ में 6-6 स्टूडेंट रहते हैं, वो अपना एक उनका सिस्टम है रखने का और बाप बेटे साथ पढ़ रहे होंगे बिकॉज बाप का उम्र 45 साल 47 साल बेटे की उम्र 18 साल। और 10 रुपए भी नहीं लगने चाहिए। 10 रुपए मैं भी इन्वेस्टिंग पढ़ा हूँ। दुनिया में जैसे रिसर्च की यूनिवर्सिटीज है यहाँ पैसे नहीं लगते हैं और पैसे, अरे भाई साहब ये रिसर्च यूनिवर्सिटी नहीं है, वो होने चाहिए, ये रिसर्च यूनिवर्सिटी नहीं है। और आपको ये भी बता दूं केवल कम्युनिस्ट कार्डर के ही प्रोफेसर होंगे और वहां के छात्र बताएंगे, उनका एडमिशन उसी बेसिस में होता है। जितना हो रही हमको क्योंकि आप लोगों ने अफजल गुरु का साथ दिया है, यही तो प्रॉब्लम है। आप लोगों से जो सहमत कर्नल साहब जो है, जो एक मिनट कर्नल साहब को गाली दी करके वैसे ही लोगों को जाते हैं जो कि सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट इधर देखो, इधर देखो कप्तान की लड़ाई लड़ा हूँ मैं, इधर देखो तुम। हाँ मैं कप्तान की लड़ाई लड़ा हूँ। हमारे साथ छात्र है जो वहाँ से है, बिल्कुल आप यूबी सिंह से असहमत हो सकते, जो वहाँ के भुक्त भोगी उनसे कैसे हो सकते? नहीं आपसे ज्यादा पीएचडी कर रहे हैं हम लोग, आप हमको गाली दीजिएगा बैठ करके जेएनयू में और हम सुनेंगे। एक मिनट क्या बात कर रहे हैं आप, कौन गाली दे रहा है? अभी तो लोकतंत्र पूछे स्टूडेंट से। हाँ शाहीन बाग में दिल्ली एक मिनट, ये तो हम आपसे भाई साहब देश का फूड फेस्टिवल चल रहा है शाहीन बाग में, फूड फेस्टिवल तो बोलने दीजिए, वहाँ तो लेफ्ट के गुंडे नहीं बोलने देते, आप लोग बोलने मत दीजिए। मैं बिल्कुल कर्नल जी के बात में बहुत हद तक एग्री करता हूँ क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी राइट विंग का व्यक्ति लेफ्ट विंग के जो उनकी एक प्रक्रिया होती है जिसको वो रिजोल्यूट कर लेते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाता है, मतलब लेफ्ट विंग के खिलाफ आवाज उठाता है, उसका हश्र ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेफ्ट विंग के जो गुंडे हैं वर्तमान में, जो जेएनयूएसयू के जनरल सेक्रेटरी हैं सतीश चंद्र यादव ने, उसके द्वारा एक मॉब एंटर करती है रूम नंबर 24 में और लाठी और डंडों के साथ में किस तरीके से मेरे शरीर के इस लेफ्ट वाले हिस्से में उन्होंने अटैक किया है, सिर्फ इसी बात के लिए क्योंकि मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, एक आवाज उठाई थी जिसमें जिसके थ्रू मैं पढ़ना चाहता था, मैं उस सेंटर में उस डिपार्टमेंट में उस विश्वविद्यालय में रजिस्टर करना चाहता था और एक बार फिर से स्टूडेंट होकर के अपनी आवाज को बुलंदी से उठाना चाहता था, और उसका हश्र ये हुआ कि उन्होंने मुझ पर रूम नंबर 24 में टारगेट करके मुझ पर अटैक किया है। अच्छा आप शायद प्रियंका गांधी को एम्स में मिलने वाले आप थे क्या? अच्छा आप थे, हाँ मैंने वो वीडियो देखा इस साइड एंगल से था, क्या घटनाक्रम हुआ था जरा बताइए। कांग्रेस के नेता है, प्रियंका गांधी आई, कितना समय सामने मिला, क्या हुआ क्या, क्योंकि जो वीडियो में दिख रहा है वो तो आप उनको कुछ कह रहे हैं और उन्होंने सीधे दूसरी तरफ मुंह किया, सिक्योरिटी वालों ने आप लोगों को हटा दिया, क्या फैक्ट है? देखिए उसमें घटनाक्रम ये है कि हम लोग जो है एम्स में अपना इलाज कराने के लिए बैठे थे, तो मनीष भी थे हमारे साथ, मणि भी थे और बेलिंडीना भी थे, हम ये लोग जमीन पे बैठे थे, तो प्रियंका गांधी जब आई तो मुझे लगा कि मतलब वो कुछ लोगों से मिलने आई हैं जो लोग पीड़ित हैं, मुझे लगा हमको बता देना चाहिए हम लोग भी पीड़ित हैं, कुछ ही लोगों से मिलकर जाए, जैसे उनको बताने चला कि जो है मेरे जो है सर में 6 टाके लगे हैं, मेरे गर्दन पे भी डंडे से मारा गया है और जगह पे मेरे चोटें आई हैं, तो आप अगर मिलने आए तो हम लोग भी उसी पेशेंट हम लोग भी हैं पीड़ित हैं जो कि जेएनयू के स्टूडेंट हैं, तो बट उन्होंने जैसे हमने जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा फायल हमको मिल के मारे हैं और इस तरह से हमको चोटें आई, जैसे उन्होंने सुना कि इस तरह से हम बता रहे हैं हमारा नरेशन सुना, उसी समय वो लोग मुंह मोड़ के उधर से जाने लगे और उनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो उनको पीछे करके उनको लेके निकल गए, तो जिस तरह से हमारे साथ हिंसा जेएनयू में हुई है जो आप लोग यहाँ कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, तो आप जैसे बता रहे हैं कि हमको जाना था पुलिस स्टेशन, हम जाए पहले भैया अपना इलाज देके हम लोग बेहोश थे, हम उनसे बाद में बात करें, पहले आप बताइए आप उनका बड़ा पक्ष ले रहे, क्या किसी हॉस्पिटल में कोई नेता मिलने जाए तो दोनों पीड़ित को मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। और इसके लिए प्रियंका गांधी की निंदा होनी चाहिए कि नहीं? इन निंदा होने से पहले उनसे भी पूछ लिया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री क्या चाहते हैं कि आप इनको पैकेज दें? प्रियंका गांधी ने गलत किया ऐसा कितना लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं, दोनों हाथ उठा के मानते हैं उन्होंने गलत किया। मानता हूँ, हमको मिलना चाहिए बात करना। आप देर हाथ उठा रहे हैं। मैं पूरा हाथ उठा रहा हूँ, मिलना चाहिए। दोनों हाथ उठा के निंदा मैं नहीं करूंगा, निंदा मैं नहीं करूंगा। एक मिनट, अभी आप तो कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते, कांग्रेस वाले को पूछते क्या किसी हॉस्पिटल में जाने के बाद दोनों छात्रों को मिलने में क्या दिक्कत थी? आप एक चीज बताइए कि ये छात्र मिलने गए थे या इन्होंने क्या कहा था, वो बाइट पूरी क्लियर करें या फिर आप उनसे बताया ना इन्होंने या नहीं, इन्होंने बताया ये कोई एक पक्ष रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, ये कोई न्यूट्रल पक्ष रखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और आप तो विषय के बारे में जानते नहीं, आप किस पक्ष रख रहे हैं? आप प्रियंका जी का पक्ष, आपने तो कोई सा पक्ष नहीं रखा, आप कोई सा पक्ष नहीं जानते, कम से कम इतना जानते हैं। अरे आप यहाँ हाजिरी लगा करके, अगर इनके यहाँ हाजिरी नहीं लगती है तो वो हर चीज गलत है। हाजिरी के चलते ये हाजिरी लगाने की मानसिकता, ये सरकार में रहे या न रहे, कुछ हो या न हो, लेकिन इनसे पहले पूछ लीजिए रिमोट, पूरा देश ये रिमोट चलाने वाला देश चलाने पट्टी भी खोल देते हो अल्लाह कम, हम होते नहीं देते। मुझे बताइए थोड़ी देर के लिए, एक छात्र है, आपको छात्र के नाते सहानुभूति है ना? नहीं मुझे अच्छा, ऐसे ऐसे छात्र ने जो बताया है, अगर ये सच हो, मैं अगर मगर के साथ कह रहा हूँ, एक मिनट बीच में बोल, अगर इन्होंने कहा वो सच है तो फिर प्रियंका गांधी ने गलत किया है ऐसा कहने में कोई हर्ज है? बहुत हर्ज है। अरे नौकरी चली जाएगी भाई साहब, अरे भाई साहब नौकरी चली जाएगी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये पैसे का गेम है इनके यहाँ पे। तो हमारे साथ एक छात्रा भी है, प्रियंका गांधी महिला है, एक ममत्व होता है किसी भी महिला में, कोई भी ऐसा पीड़ित दिखाई दे तो उसका हृदय ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए एक महिला के नाते। क्या इस घटना के बाद आप लोगों में जो चर्चा हुई, स्टूडेंट में हुई, क्या लोगों के मन में प्रियंका गांधी के प्रति परसेप्शन बना? यही परसेप्शन बना कि वो वहां पे एक्चुअली पीरियड से, जो वहां पे जो स्टूडेंट्स जिनको लगी हुई थी उनसे मिलने ही नहीं आई थी, दरअसल वो राजनीति करने आई थी वहां पे। पूरा प्लानिंग था इसके, ये पहले से ही उन लोगों की प्लानिंग थी कि जैसे ही लेफ्ट हम लोग तो पहले से ही वहां मौजूद थे, आई थिंक 5-6 बजे तक तो हम एम्स पहुंच चुके थे, और बाद में क्या हुआ कि 8 बजे क्या ऐसे ही होगा शायद 8:30 बजे के आसपास लेफ्ट के स्टूडेंट्स भी आने लगे अंदर, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई देखते देखते। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगी भी नहीं थी, जब प्रियंका गांधी घुस रही थी हॉस्पिटल के अंदर, वो पट्टी वट्टी के जो होते ना कपड़े, वो पहन के वहां पे व्हील चेयर पे बैठ गए, और उनसे आगे प्रियंका गांधी मिल रही थी जिनको शायद तो हमने ऐसे भी देखे। एक मिनट जी, एक मिनट, स्टूडेंट से मिलने को बीजेपी के नेता नहीं गए, मीनाक्षी लेखी सबसे नहीं, मीनाक्षी लेखी एक तरफ से विजय गोयल। विघ्नेश जी थोड़ा ट्रेनिंग करके तो भेजते, कुछ फोटो में ये हाथ है, कुछ फोटो में ये हाथ है, किसी को ना कोट के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, स्कार्फ के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। अनुभूति हम इनके साथ रख रहे हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ भी रखनी पड़ेगी। मुझे घटनाक्रम समझ में नहीं, आप जरा बताइए कि आप लोग तो 4-4:30 बजे निकल आए, उसके बाद उन लोगों को मारा किसने? मतलब वो जो कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई, आप लोग तो हॉस्पिटल में सीसीटीवी है, प्रूफ है, तो उनको मारा किसने या खुद मार लिया क्या है? देखो जो लेफ्ट और राइट की बात हो रही है ना, राइट के मामले में एबीवीपी है वहां पे, और लेफ्ट में अकेला संगठन जो भी यूनियन है वो 4 संगठनों से मिलकर चल रहा है, आईसा, एसएफआई, डीएसएफ, एएसएफ,
दिल्ली पुलिस ने बोला है कि चारों हिंसा में लिप्त हैं। उसके साथ साथ उनके 10 और संगठन जिस से ये लोग आते हैं एनएसयूआई का, तो वहां कुछ लेना देना भी नहीं है, जो वहां दलाली करता है बीच में, इन संगठनों का साढ़े डीएसएफ एक संगठन है मतलब जो 5 बजे वहां पर एक मैसेज डालता है कि आईसा और एसएफआई के कॉमरेड, आईसा एसएफआई के कॉमरेड एबीवीपी के छात्रों को मारने जा रहा है, डीएसएफ इसको कंडेम करता है और डीएसएफ इस हिंसा में लिप्त नहीं है, ये इनकी आपसी लड़ाई है जो इनके गठबंधन में लेकर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर लड़ाई थी, इस बार आईसा को नहीं मिला, जो किसको मिला, एसएफआई को मिला, ये लड़ाई आज से इनकी नहीं है, दो महीने से इनकी लड़ाई चल रही है और कल आईसा और डीएसएफ की कल लड़ाई फिर सामने आई है। तो बात जब नरेटिव की लड़ाई लड़ने की आती है ना, तो नरेटिव के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके आपसी कलह में इन्होंने एक दूसरे को मारा है और बाद में ये जो पूर्ण तरह से प्लानिंग थी, एक समय पर प्रियंका गांधी, डी राजा, कमलनाथ, वृंदा करात और सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, इतने लोग एक समय में जेएनयू और दिल्ली में एक समय में उपलब्ध होते हैं, ये तो सब बड़े लोग हैं ना, एक समय पर कैसे दिल्ली प्लांट था, तब तो कोई संसद भी नहीं चल रही थी, ये पूरे प्लान तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारने की बात है। ये लोग आज लड़ाई लेफ्ट और राइट, कांग्रेस और बीजेपी और लेफ्ट की नहीं है, ये सीधी लड़ाई एबीवीपी जो देश के साथ खड़ा है, वो लेफ्ट जो देश विरोधी बात करता है, चाहे आप 9 फरवरी की घटना देखेंगे 2016 में, तब ये वही लोग हैं जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे और राहुल गांधी केजरीवाल जैसे लोग आगे समर्थन करते हैं, पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब तक जेएनयू में उपस्थित हैं तब तक ऐसे लोगों से लगातार लड़ते रहेंगे और देश के साथ खड़े रहेंगे। ये चंद लोग, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे देश में समाप्त हो चुके हैं और जेएनयू में भी आने वाले कुछ दिनों में समाप्त होने वाले हैं। पूरा जेएनयू गलत नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो जेएनयू को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग लश्कर ताइबे से खराब होता है, इनके आंदोलन को समर्थन पाकिस्तान से मिलता है, खुद भी तो उसमें है, हम खुद में उसमें बंद होगा तो इन पर अभी मैं अमेरिका जाके पूरा यूएस में कॉन्फ्रेंस कर गया हूँ, मैं पढ़ के अपना पेपर पब्लिश करके आया हूँ, ऐसे लोग वहाँ पर है परमानेंट हम राजनीति करने नहीं रहते हैं, हम क्लास जाना चाहते हैं, पूछिए 3 महीने से क्यों क्लास बंद है, क्यों क्लास 3 महीने से बंद है, जो इनके टीचर हैं जेनुटा में बैठे हैं वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं जो क्लास में जाने से रोकते हैं, कोई छात्र क्लास में जाता है तो उसके करियर को तबाह करने की बात करते हैं, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूं, इस विषय पे क्यों नहीं बात करते हैं, जो जेएनयू को जानता नहीं है, जेएनयू के विषय को पहचानता नहीं है, आज हर कोई अपना मुंह खोल देता है जेएनयू पे, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर, 3 महीने से जेएनयू में क्लास नहीं हो रही है, मात्र जो 100-200 छात्र वामपंथ के हैं जो क्लासेस रोके हुए हैं, स्कूल में नहीं जाने दे रहे हैं, एग्जाम्स को रोके हैं, रजिस्ट्रेशन रोके हैं, इन विषय पर क्यों नहीं बात हो रही है आज, जेएनयू को हर कोई खोल देता है, आप बताइए कि 3 महीने से क्लासेस बंद करना ठीक है क्या, पहली बात देखिए, अगर एक भी छात्र क्लास जाना चाहता है तो बंद है क्या, रजिस्ट्रेशन का विरोध क्यों हो रहा है, क्या पिछले सेमेस्टर की सारी परीक्षाएं संपन्न हो गई, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि बगैर परीक्षा क्लियर हुए, एक परीक्षा का मुद्दा ही नहीं, 1983 आपको जानकारी नहीं, वो जो मुद्दा है वो क्लियर करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का विरोध हो क्यों रहा है, 1983 को जेएनयू को याद करना होगा, 1983 में जब एबीवीपी था भी नहीं, लेफ्ट पोजीशन में, लेफ्ट अपोजिशन में, ऐसा नरसंहार ये लोग करते हैं, उस समय के श्रीवास्तव सर वाइस चांसलर थे, झेलम हॉस्टल के वार्डन के साथ में उनके जो वाइस चांसलर के घर में वामपंथी घुसे, सुनिए, घर में वामपंथी घुसते हैं, घुसने के बाद में उनके 35 साल की संपत्ति आपको पढ़ के आना चाहिए ना जेएनयू के बारे में, 35 साल की संपत्ति उनकी खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद में 87 2007 2014 2016 लगातार वामपंथी वहां हिंसा करते रहे हैं, और जब 1 साल तक साइन नहीं होता, अब वामपंथी बदनाम है, वामपंथी पूरे देश में खत्म हो चुका है, लगातार बदनाम हो रहा है, ये लोग वामपंथी शिक्षा विरोधी रहा है, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल आ रहा है कि क्लासेस शुरू करिए, पर ये लोग क्लास शुरू नहीं कर रहे हैं, क्लास में नहीं जा रहे हैं, रोज डबली लेके क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं, लोग रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे हैं, अगर आप छात्र नहीं रहेंगे तो कैसा रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप छात्र नहीं रहेंगे तो कैसी पढ़ाई पढ़ेंगे, बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब एक तरफ तो मुंबई के अध्यापक को बोलते हैं कि आप राजनीति मत करिए, पर जो जेएनयू में अध्यापक हैं वो लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं, उनके खिलाफ इनकी आवाज नहीं खुलती है, ये एक डाटा का खेल कर रहे थे कि साहब तमाम यूनिवर्सिटीज में पूरे विश्व में, विश्व भी बोलना शुरू कर देंगे कुछ दिनों बाद कि आप 500 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, ये 1% यूनिवर्सिटीज हैं,
शाहीन बाग अगर आप ले लीजिए तो शाहीन बाग इतनी कितनी लोकलिटी इंडिया में है पता लग जाएगा, वहां तो फुस्ट 500 फूड फेस्टिवल चल रहा है, आईआईटी आईएम के कितने लड़के वो भी बता दो। एक मिनट, आप उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बड़े शाहीन बाग के साथ बड़े जुड़े हैं, एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है, एक मिनट आप आपस में जानते हैं, आप बड़ा जानते हैं उसके बारे में, बिल्कुल थोड़ा बताइए ईमानदारी से बताइए, एकदम खुले मन से बात कर रहे हैं, कौन सी बात मेरी आपको बुरी लग रही है? ये बिरयानी कहाँ से आती है? हो गए पाकिस्तान से, फोरन फंडिंग है। जब 24 घंटे का प्रदर्शन हो रहा है, भूखे पेट तो नहीं होगा, 500 रुपए तो घर भी, और वो 500 रुपए कहाँ से आते हैं? मैदान में आके नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन, सबके घर आसपास हैं, और घर से एक से सारे घरों से एक जैसा पैकेट आता है। देखिए ये व्यवस्था आपके प्रश्न जो है ये आंदोलन को बदनाम करने वाले, एक तो है खाना तो खाएगा आदमी, प्रदर्शन करेगा, उपवास नहीं हो रहा है, अनशन नहीं हो रहा है। अच्छा एक मिनट, पहले खिचड़ी प्रदर्शन हो रहा है ये छोड़ो, कम से कम एक मिनट, एक नहीं आ रही है दूसरा, नहीं वही से आ रही है, अब नवाब शरीफ से नहीं आ रही है, वहाँ पर जो लोग हैं एक मिनट वही से आ रही है, वही से आ रही है। अरे ये ईमानदारी से जवाब दे रहे, फंडिंग फंडिंग वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उठता है दूसरा देने की बात हो रही है, सर कांग्रेस वाले के देश को खा गए सर, बिरयानी क्या खाएंगे? 70 साल में कांग्रेस देश को खा गई सर, बिरयानी क्या खाएगी? सर 70 साल में कांग्रेस देश को खा गई सर, सर कांग्रेस ने 70 साल में देश को खा लिया सर, बिरयानी क्या खाएगी? सर कांग्रेस ने 70 साल में देश को खा गया सर, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी संपत्ति लुटपाट कर दिया सर। हम क्यों न कहें कि उस बच्चे को पैसा दे करके ऐसा बुलवाया जा रहा है, हम क्यों न कहें, क्यों एक तरफा बोले सर? वो वाले नहीं हम सर, वाले देश भक्त है सर, 500 रुपए में औरतें आ रही है, 500 रुपए में औरतें आ रही है, शिफ्ट चल रहा सर, डबल शिफ्ट, सुबह को आप आना शाम को आप आना, बोल रहे आप साबित कर दिए उस चल रहा सर, साबित कर दिए हो रहे हैं सर, आप सर कौन से युग में सर, सोशल मीडिया खोलिए सर, प्लीज सर सोशल मीडिया से जुड़िए, सब कुछ हो रहा है सर, सोशल मीडिया मोदी जी की सभा कांग्रेस की राज नहीं रही सर, कांग्रेस का जमाना नहीं रहा, सोशल मीडिया का जमाना है सर, सब कुछ हो रहा है सर, हमारे साथ अलग से नहीं सर, यही कर दीजिए, आपके उसी शाहीन बाग के कारण दिल्ली का ट्रैफिक जाम है, मैंने उसका जवाब दिया सर, इसलिए छात्र लेट आए हैं, मैंने और हम क्यों लेट आए, एक मिनट एक मिनट, फिर 45 हेलो जवाब आपस अरे तो जो पीछे बैठा है वो पीछे से ही बोलेगा ना, कहाँ से बोलेंगे वो? अरे सर पीड़ा होती है सर, इसलिए बोलने पड़ते हैं सर, पीड़ा होती है, बोल दिया आप पीड़ा ही क्या सर, कोई बोले नहीं, भारत देश आज लोगों की जुबान पे ताला लगाना चाहते हो, इतिहास है वो सर, भारत देश हमारे लिए हिंसा को करने वाले आप लोग, इसके टुकड़े भी उठाने हैं सर, करने वाले आप लोग, बहुत बढ़िया जय। अच्छा हाँ, ये सारे लोगों ने तमाम सवाल उठाए, आप लोग लेट पहुंचे क्योंकि इनका धरना वहां पर चल रहा है, तो बिरयानी का भी टाइम हुआ तो थोड़ा यहाँ आपकी संख्या ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि वैचारिक तौर पर हमारी मॉबलिंग चेंज कर रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शर्मा जी अगर अगर जेएनयू में यही चीज हम लोगों के साथ होता है सर, सारे एबीवीपी वालों के साथ यही चीज होती है, हम लोग माइनॉरिटी हैं तो वहाँ पे हम लोगों के साथ यही चीज होती है, प्लीज रखिए, नहीं अब आपकी बात अपनी बात रखें। ये जो कारनामा जो वामपंथी जो ये जेएनयू में किए माउ लिंचिंग को उसको कहते हैं, जो हमारे एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का हाथ टूटा वो नहीं दिखता इन्हें,
बिल्कुल नहीं दिखेगा, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, आंखें बंद हो जाएगी, वो तो सपोर्ट करते हैं, आंखें बंद हो जाएगी इनकी। आप लोगों को टाइम दे रहे हैं कि आप लोग लेट आए, बोलो बोलो। जो जो ऐसा है, गांधी जी राष्ट्रपिता ये कहीं लिखा नहीं है। किसने दे दिया उसको राष्ट्रपिता का तमगा? किसने संविधान में नहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा। राष्ट्रपिता होगा तुम्हारे हमारा है। अपशब्द बोलने की परंपरा आप लोगों ने पैदा की है सर, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए सर। ये काफी शब्द क्यों किसके सेंचुरी में है भाई? ये ले रहे हैं इनको, इसमें तुम्हारा अपशब्द नहीं है, काफी अपशब्द है। काफी अपशब्द नहीं है। अच्छा गांधी जी के तीन बंधन भी थे पता है ना? नहीं नहीं बिल्कुल, उसका एक तो बनिए कम से कम। नहीं नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा ऐसा भी नहीं थोड़ी। हाँ, इन दिनों जो कहा जा रहा है कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जब पीएचक्यू पे आंदोलन हो रहा था कि जामिया के स्टूडेंट्स लाठी चलाएंगे, तो वहां कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स खड़े होकर कह रहे थे हिंदुओं की कब्र खुदेगी। जेएनयू में छठी एएमयू में उसी दिन आ गया, उसी दिन जेएनयू के अंदर भी कब्र खोदी जा रही थी। अगर ये बात है तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन और किसी के लिए नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है, एक मिनट, बढ़िया सवाल है। इसमें मैं अभी शशि थरूर जी का आर्टिकल और उनके ट्वीट्स को याद कर रहा हूँ। शशि थरूर एक मिनट, ये आपके पक्ष में जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके लिए। उन्होंने कहा है कि एक आंदोलन जब चलता है तो जब अगर हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध करना है तो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ऐसे हर उस नारे का जो लाल 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 टाइप से नारे होते हैं उसको आंदोलन में नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, ऐसी बात कहने से आंदोलन कमजोर। एक मिनट दोबारा सोचिए, पार्टी से निकाल देंगे। शशि थरूर जी ने कहा, मैं रिकॉर्ड करके बोला, सारे लोग नहीं बोल रहे, बात सही है। शशि थरूर ने कहा मैंने कोर्ट में बोला। एक मिनट, वैसे भी किस किस को निकालेंगे? कोई हेड तो निकालेंगे ना। हाँ बोलिए, एक एनआरसी से निकाल रहे हैं तो हल्ला मचा रहे हैं। एक मिनट जल्दी खत्म करो। पर्सनल कैसा कितना बताएंगे? आइडियोलॉजिकल है, एनआरसी की बात आइडियोलॉजिकल है। अच्छा एक मिनट, विघ्नेश जी, इन्होंने जो उठाया एक और वीडियो चला है वो है कानपुर आईआईटी का। वहां तो पाकिस्तान के एक शायर की शायरी पढ़ी गई, उसमें बूत तोड़ने की, बूत मतलब मंदिर मूर्तियां तोड़ने की बात की गई, तो क्या उसका समर्थन हो सकता है? अभी देखिए, अभी मैंने वो देखा नहीं है। हाँ, तब बड़ी सजी हुई प्रतिक्रिया देंगे। एक मिनट, मैं इनके साथ जरा बात जाऊंगा। क्या जो बात अभी इन्होंने छेड़ी है कि ये आंदोलन मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रहा है, और शायद जेएनयू के किसी मुस्लिम स्टूडेंट लीडर ने कहा भी कि क्या फर्क पड़ता है अगर मुसलमान इसका लीडरशिप करता है, तो शायद किसने कहा, कोई मुस्लिम स्टूडेंट लीडर थी जेएनयू की जिसने कहा है, जो कश्मीर बैकग्राउंड से है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शैला रशीद, उसने कहा है। तो क्या ये सारा आंदोलन अब मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रहा है, या 9 फरवरी जब पहली बार हुआ था, दुनिया के सामने पहले आया था, तब से जा रहा है? बिल्कुल, ये जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे एएमयू से स्टार्ट होकर के जामिया और अब जेएनयू में जाकर के, आप अभी सुन थोड़ी देर पहले विश्व भारती का भी खबर आया है, तो सारी घटनाएं मुझे एक तरीके से पैटर्न लगती है। कश्मीर तो अब शांत हो चुका है, अब देश के विश्वविद्यालयों में जाइए, वहां के यूथ को भड़काइए और सारी जितनी राजनीति है वो करिए। तो इसी पैटर्न में जेएनयू में भी घटनाएं हुई है। जहां तक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की बात है, ये पहली बार नहीं हुई है ये घटनाएं। जब मुस्लिमों पे बात आती है तो ये लोग सेकुलर बन जाते हैं, और जब हिंदुओं के, एक अभी रिसेंट में कुछ एक पोस्टर आया था कि हिंदू राष्ट्र की कमर खुदेगी जेएनयू की धरती पर, और ऐसी बहुत सी नारे वो लोग देश विरोधी नारे लगते ही हैं, और किसी धर्म के पक्ष के विरोध में भी नारे लगते हैं। सारा कुछ घटनाएं हमारे देश के जो बने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो देखते रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उनको मजा आता है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे भारत को, और इस भारत में हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उसको खत्म करने की कोशिश इनकी जारी है। देखिए हिंदू राष्ट्र, हाँ हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, गलत नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान है तो उठकर जाना चाहिए आपको पाकिस्तान, अगर राम राज की, अगर आपको उनकी पैरवी करना था तो वहां जाना चाहिए आपको, जाना अगर
मिश्रा जी, नाम विघ्नेश रखने से हिंदू नहीं होता, उसकी सोच भी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी सुनिए पहले। आप कह रहे ना मौका मिलेगा, आप चैलेंज मत करिए। नहीं नहीं, आपकी सोच बिल्कुल पाकिस्तानी है। आप उनके, आप हिंदू के नाम पे उनके वहाँ पे ना उनके, आप कैसे हुए आदमी है? आप हिंदू हो, आप चैलेंज मत करिए। मैं जानता हूँ अगर आप चैलेंज करेंगे राम के नाम पे यहाँ कांग्रेस रिजाइन दे देंगे। बोलिए देंगे कि नहीं? राम आपको विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष की है। देखिए आप तो मेरा राम के नाम पर, आपको विपक्ष की जरूरत। आप अरे कांग्रेसी है, दूसरी राम का सर प्रमाण मांगते हैं। राम किसी कांग्रेसी का, ये तो दूसरी का प्रमाण मांगते हैं। यही सवाल है, राम किसी का विरोधी है? अब राम के विरोधी हुए, राम किसी का विरोधी है? राम के देखिए ऐसा है, आपको राम का दुरुपयोग है, आपने राम को राम से जोड़ा, राम का दुरुपयोग किया चौहान साहब। आपको मिश्रा जी, मिश्रा जी आपने जय श्री राम बोलने वालों का अपमान किया चौहान साहब, राम को रोम से जोड़ के। राम को रोम नहीं, आपने अपना, आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, राम है ही नहीं, आपने हलफनामा दिया। भारत के जितने भी कामगार लोग थे, जिनका जो फैक्ट्री में काम करते थे, उसमें नियम लगा के इन्होंने पूरे लोगों को, मजदूरों को बर्बाद करके रख दिया। और आज जेएनयू के स्टूडेंट जो कि पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको सड़क पर उतार दिया। एक महीने से वो लोग रोड जाम कर दिए, जो वहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, दूध लाने में, बच्चों के लिए कुछ लाने, उसमें बात हो गई। हाँ, नया मुद्दा, आखिरी दो तीन लोगों के पास में आऊंगा। जेएनयू की प्रेसिडेंट, आगे क्या? जेएनयू के प्रेसिडेंट जो कि पेरियार घुसती है, हमला करती है हमारे भाइयों पे, बाकी छात्रों पे, विवेकानंद जी की जहाँ पे रहती है और गेट के आगे, उसमें जाके अटैक करती है, उसके साथ आके शशि थरूर मिलते हैं, केरल के सीएम मिलते हैं, तो बताइए वो कैसी मानसिकता दिखाते हैं? क्यों, एक मिनट में आपको पूछूंगा, गंभीर मुद्दा है। डीयू में सावरकर के मूर्ति पर काली पोती जाती है, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की इस पर पोती जाती है। आप छात्र राजनीति करें, करने की छूट संविधान देता है। ये काली पोतने वाली बात यहां तक पहुंचना और इसी उम्र में, तो ये कल क्या होगा? उसके पीछे कारण है, देखिए जिनका मन, जिनका विचार कालिखों से भरा है, वो जिंदगी भर कालिख पोतेंगे। हर गौरव करने वाली चीज के लिए कालिख पोतेंगे, विवेकानंद के लिए कालिख पोतेंगे, उसके पीछे सारे काजल की कोठरी में पैदा हुए लोग काली की पोतेंगे। चलिए 10 सेकंड जी, इन्होंने जैसा कहा कि राम और रोम की जो राम और रोम की जो बात हो रही थी, तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले हर इंसान को एक मानव होने का अधिकार मिला हुआ है जन्म से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोलेंगे और उसे फिर कॉन्स्टिट्यूशन बता के फॉलो कर जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, उसे अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं फिर आप लोग। ये देखिए जेएनयू का जो मुद्दा है, उसमें कहीं जाने, आरोप प्रत्यारोप पर जाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें बीडीओ आईजी घोष किस तरह से लीड कर रही है मॉब को, उसके बाद किस तरह से रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है, किस तरह से सर्वर रूम को बंद किया गया, सारे प्रूफ्स हैं। हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे, सारे आरोप, सारे प्रूफ्स की जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और कौन लोग किस तरह से, यही लोग जो मॉब लीड कर रहे हैं किस तरह से घुस के लगे, उसी से हमको चोटें आई है, तो हमारे पास एमएलसीज है, तो इसमें क्लियर हो गया कौन होना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र किसी धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की कला है, और बिना मुस्लिम, जैन, ईसाई, फारसी के हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। एक विचार के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। जिन लोगों ने हिंदू को धर्म, संप्रदाय, पंथ में बांटा है, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भारत एक ऐसा सेक्युलर राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं जहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं,
वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है, उस पर आपको जांच करना चाहिए, और भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो कैसे भारत में रह रहे हैं, कितने आसानी से भारत में रह रहे हैं, उस विषय को आपको आज मैंने प्रस्ताव आपके सामने रखा था कि क्या देश भर के यूनिवर्सिटी में हो रहे षड्यंत्र की जांच होकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने प्रस्ताव रखा था, हमने घंटा भर चर्चा की, कितने लोग मेरे से सहमत है कि ऐसे षड्यंत्रों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो अपना राइट हैंड उठाकर षड्यंत्र पर बिल्कुल। चलिए सारे लोगों ने अपनी बात को कहा है, मैं अपनी बात को ऐसा हल्का निष्पक्ष करता हूँ कि हमने घंटे पर चर्चा की। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज अल जजीरा वाले मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप जेएनयू पर ऐसा स्टैंड ले रहे हैं, हम आपको पूछना चाहते हैं कि आपका स्टैंड ऐसा कैसे है, आप कैसे कह रहे हैं कि एबीवीपी ने ऐसा किया नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं 15 साल से चैनल चला रहा हूं, 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि कोई छात्र संगठन मारामारी कर सकता है, एबीवीपी भी कर सकती है, लेकिन एबीवीपी चेहरे पर नकाब बांधकर कभी भी किसी को मार नहीं सकती, इतना मुझे विश्वास है। और ऐसी रिपोर्टिंग मैंने कभी नहीं सुनी है ना की है, ये मेरा विश्वास है। मैं आशा करता हूं इसी विश्वास के साथ यह आंदोलन पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, दोषी लोग जेल के अंदर होंगे और दोबारा शिक्षा सुचारू रूप से चालू रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक और